गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर इन्वेस्ट कर रही है सेंटर गवर्नमेंट। बता दें कि नीरज चोपड़ा के इस साल के लक्ष्यों में अमेरिका में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतना एवं एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में अपने खिताब का बचाव करने के अलावा 90 मीटर के पार भाला फेंकना शामिल है। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय बने तो उनसे उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई। नीरज भी एक पदक पर थमने वाले नहीं हैं और नए लक्ष्य को पाने की खातिर अपनी मेहनत में रमे हुए हैं। टोक्यो में 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंकने वाले नीरज ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आना अभी बाकी है और इस साल होने वाली प्रतियोगिताओं में वह 90 मीटर की दूरी तक भाला फेंकने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के कोटा में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संवेदनशील त्योहारों जैसे महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, वैशाखी आदि के साथ ही सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के मद्देनजर भीड़ के एकत्रीकरण, धरना प्रदर्शन, सभा और जुलूस पर रोक लगाना आवश्यक है। 22 मार्च से 21 अप्रैल तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी, यानी एक महीने तक कोटा में एक साथ एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथलिया में विश्व के सबसे ऊंचे 270 फीट विराट रामायण मंदिर का निर्माण अगले महीने शुरू होने जा रहा है। मंदिर निर्माण में करीब 2.5 करोड़ रुपए की जमीन एक मुस्लिम शख्स ने मुफ्त में देकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। मंदिर निर्माण के लिए 125 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, इसमें से अब तक 100 एकड़ जमीन मंदिर को मिल चुकी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ जुड़ने की चर्चा है। सीएम राव सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में शून्य को भरने की कोशिशें जारी हैं। राव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनेक राजनीतिक दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पूरे देश में परिवर्तन लाने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। दोनों तेलंगाना में भी साथ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। इधर जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में हारने वाले धामी के लिए क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता दोबारा तैयार करना एक अहम काम होगा। राज्य के सबसे युवा सीएम रहे धामी को खटीमा सीट से कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6,579 मतों से हराया था। हालांकि इससे पहले भी भाजपा नेता इस सीट से लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जहां दर्शक पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस फिल्म की काफी आलोचना कर रहे हैं और इसके एजेंडा फिल्म बता रहे हैं। अभिनेता प्रकाश राज को फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना करने पर ट्रोल होना पड़ा है। फिल्म को दर्शक इतना पसंद कर रहे हैं कि इसकी कमाई में हर दिन इजाफा देखने को मिलता रहता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि द कश्मीर फाइल्स एक एजेंडा फिल्म है। साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता प्रकाश राज ने भी द कश्मीर फाइल्स को एजेंडा फिल्म बताया है। साथ ही इस फिल्म की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना कर रहे हैं।